जैसे अनंत सच्चिदानंद घन समुद्र में सच्चिदानंद के उपादान से बना हुआ ही है और एक खड़ा हो, भीतर सच्चिदानंद, बाहर सच्चिदानंद, घड़े की दीवार सच्चिदानंद, पूर्ण कुंभ इवान बने, पूर्ण कुंभ इवान नवे, आकाश में पूर्ण कुंभ और समुद्र में सच्चिदानंद, गहन अमृत में पूर्ण कुंभ। अब आप देखो, चाहे जहां आपकी मर्जी हो, तुलसी के पौधे को परमेश्वर समझो, अपनी बुद्धि को परमेश्वर बनाना है, तुलसी के पौधे को परमेश्वर बनाना नहीं है। आप लेबोरेटरी में तुलसी के पौधे की जांच मत कीजिए कि इसमें ईश्वर है कि नहीं, आप देखिए आपकी बुद्धि उसको ईश्वर मानती है, ईश्वर समझती है कि नहीं समझती है। एक पुस्तक में भैंस के दान की महिमा लिखी थी, हो संस्कृत की पुस्तक, धर्मशास्त्र है, आपको देखना हो तो हम नाम भी बता देते हैं। तो चतुर्वर्ग चिंतामणि हेमाद्री बोलते हैं उसको, हेमाद्री धर्मशास्त्र का बड़ा उत्तम कोटि का ग्रंथ माना जाता है, हेमाद्री उसका नाम, चतुर्वर्ग चिंतामणि है और कर्ता हेमाद्री है, उसमें शैव दान का महात्म्य है। तो महाराज एक धर्मात्मा ने पढ़ा, उसने कहा कि ये तो अशुद्ध है, और सुरभि दान का महात्म्य होगा, शैरिव दान का महात्म्य कैसे होगा, सुरभि माने गाय, सुरभि दान का महात्म्य होगा। और महाराज उन्होंने हमसे लिख के पूछा, तब उनको बताना पड़ा कि ये शैरिक जो है ये भैंसा है, भैंस भैंस, क्योंकि जमराज का वाहन है भैंसा, तो भैंस के, भैंसा के दान से जमराज खुश होते हैं। शैरिक मर्दिनी मियम आ लक्ष्मी सरोजस पिताम है ना, शैरिक माने महिषासुर, शैरिक माने महिष। बात ध्यान में आनी चाहिए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, एक आदमी सोने की सुअर बना के ले आया, बोले महाराज आपको हम भेंट करते हैं, ले आया सुअर ले आया, बच्चे ने कहा बाबा देखो 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 ये हमारा अपमान करने के लिए सुअर ले आया है देने को। बाप ने कहा कि बेटा सोना है सोना ले ले, बोला ये सुअर नहीं है सोना है। ध्यान, एक ने खाड़ का गड्ढा बनाया और बेटे को ला के देने लगा, ओ बोले बेटा पिताजी क्या करते हो, हमको गधा देते हो तुम, गधा न हाथी न घोड़ा न गाय, गधा देते हो। बोले बेटा एक खार है खार, खा जा गधा मत दे। ये वेदांत जो है आपके हृदय से राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति करने वाला है, उसके संस्कार को मिटा देने वाला है। मांडुक्य परिषद के भाष्य में ये प्रश्न उठाया है, आखिर इस ज्ञान से होता क्या है, क्या प्रयोजन है इस ज्ञान का। तो शंकराचार्य कहते हैं राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति ही इसका प्रयोजन है, ये अच्छा है ये बुरा है ये उचित है, तुम्हारे हृदय में राग द्वेष बना तब तक बना रहेगा जब तक भेद रहेगा, इसलिए भेद का समूल, समूल माने अज्ञान सहित, अज्ञान सहित भेद का समुच्छेद करने ज्ञान का प्रयोजन है, इससे राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति हो करके और जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख इसी जीवन में, इसी जीवन में मिलता है।
आप लोग पूर्ण की बात तो पढ़ते ही हैं। एक विकार बना लगा रखा है, ये शायद चिन्मय मिशन का है, तो बजा देते हैं ये हमारे विमलानंद जी कभी कभी। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदम्। आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा, पढ़ा होगा, पूर्णमदः ऐसे पूर्णमिदम्, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, अदा माने वह और इदम माने यह। अच्छा देखो, अब इसमें आप ध्यान देना हो, किताब में अर्थ पढ़ा हो सो छोड़ देना। अदह अलग है और इदम अलग है और पूर्णम एक है। अदह माने परोक्ष, इदम माने प्रत्यक्ष। अदह माने वह, इदम माने यह। तो वह और यह तो अलग अलग होता है, यह हुआ संसार, और पूर्णम पूर्णम जो है वो एक, उसमें अदह और इदम का भेद नहीं है। अगर आप किताब में कोई अर्थ पढ़ के आए हो तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णात् पंचम्यंत पद है और पूर्णम प्रथमांत पद है, बोला पूर्ण से पूर्ण उदय होता है, उद्रिक्त होता है, लहराता है। पूर्ण से जैसे समुद्र में उद्र जो है ना, समुद्र में उद्र वही उद्रिच्यते है, वो पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उदंचित होता है, उदंचित। अब देखो, एक पूर्ण है पंचम्यंत और एक पूर्ण है प्रथमांत। पूर्ण से पूर्ण उदित हुआ तो प्रथमा पंचम्यंत और प्रथमांत में पंचमी विभक्ति का त और पूर्णम का नपुंसक होने से मां हो, ये विभक्ति दोनों गलत है। बोला विभक्ति दोनों अलग हैं, पूर्ण से पूर्ण निकला तो इसमें निकलने वाला प्रथमांत में जो प्रथमा विभक्ति है और जिससे निकला उसमें जो पंचमी विभक्ति है, ये दोनों अलग अलग हैं। माने विभक्तियां अलग हैं, प्रत्यय अलग हैं और पूर्णम एक है। कभी आप वेदांत का विचार करें तो मजेदार है, मिठाई खाने में उतना मजा नहीं है हो जितना वेदांत के रसास्वादन में। ये तो अमृत है, अमृत। अच्छा देखो, इसमें है क्या, पूर्णात् पूर्णम, पूर्णात् हुआ कारण और पूर्णम उदच्यते हुआ कार्य। पहले परोक्ष और प्रत्यक्ष का बाध करके एक पूर्ण बताया, अब दूसरे में कार्य और कारण का बाध करके पूर्ण को एक बताते हैं। एक से पैदा हुआ और एक है, दोनों का नाम है पूर्ण। तो बोले भाई दोनों में कुछ भेद है, कहां है? एक है अनुत्पन्न, पूर्णात् जो है वो है अनुत्पन्न, पहले से मौजूद है, और पूर्णम उदच्यते दूसरा पीछे से पैदा हुआ। तो उस अकाल पूर्ण में ये कालिक जो पूर्ण है ये उससे जुदा नहीं है, कारण पूर्ण से कार्य पूर्ण जुदा नहीं है, आकाश से आकाश पैदा हुआ कुछ नहीं, घर
पौधा फूट गया, मिट्टी में मिल गया, उन्हें एक वो जो फूट गया और एक वो जिसमें मिल गया, तो जो फूट गया वो बना हुआ था। देखो उत्पत्ति क्रम से बताया पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और प्रलय क्रम से बताया पूर्णस्य पूर्णमादाय। कार्य की पूर्णता कारण की पूर्णता से पृथक नहीं है, कारण की पूर्णता से कार्य की पूर्णता पृथक नहीं है, ये पहली बात। और कार्य की पूर्णता जो है वो कारण की पूर्णता से पृथक नहीं है, ये दूसरे ढंग से बात कही गई। तो वह और यह और कारण और कार्य और कार्य और कारण, ये सब नहीं है क्या? का पूर्णम पूर्णमेवावशिष्यते सतैदमुत्थितं सदिति चेत् ननु तर्कहतम्। आओ तर्क की कसौटी पर कसे। सत्य से सत्य उत्पन्न हुआ, सब द्वैतवादी लोग बोलते हो सत्य परमेश्वर है, उससे सत्य जगत की उत्पत्ति हुई। अच्छा बाबू ये बताओ कि एक सत्य तो बाद में पैदा हुआ और एक सत्य पहले से था, तो दोनों में कुछ फर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई यदि पहले सत्य से दूसरा सत्य अलग हो गया तब तो मिथ्या हो गया, बाधित हो गया, और यदि पहला ही सत्य दूसरा सत्य भी रहा तो पहला और दूसरा ये कल्पित हुआ। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, पूर्णमद पूर्णमेदम, प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नहीं है, पूर्ण ही है। अदह और इदम बाधित है और पूर्ण एक है। सबाह्याभ्यंतरो यजा, बाहर भी वही भीतर भी वही, ये मंत्र तो आपको याद ही है। सबाह्याभ्यंतरो यजा, अच्छा ये मंत्र भी आपको बीच का याद होगा, यदि हास्ति तदमुत्र, ये इसमें पहले अदह और बाद में इदम है, और यदि हास्ति तदमुत्र में पहले इदम है और पीछे अदह है। यदि हास्ति तदमुत्र यदमुत्र तदन्वेह, जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है। जबकि सब मजहबों ने यहाँ और वहाँ को अलग अलग बनाया है कि नहीं? धर्मात्माओं ने धरती और स्वर्ग को अलग किया, उपासकों ने धरती और वैकुंठ को अलग किया, प्राकृत और अप्राकृत कर दिया हो। और योगियों ने विक्षेप और समाधि को अलग अलग किया, और ईसाई मुसलमानों ने साकार और निराकार को अलग अलग कर दिया, साकार को तोड़ दो। आज समाजियों ने साकार और निराकार को याद किया, अलग अलग किया। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, परोक्ष भी पूर्ण है प्रत्यक्ष भी पूर्ण है। इसका अर्थ है प्रत्यक्षता और परोक्षता का विभाग मिथ्या है, अशुद्ध है, और पूर्णता सत्य है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् अनुत्पन्नात्, पूर्णम उदच्यते उत्पद्यते उदृच्यते, एक उद्रिक्त पूर्ण है और एक वस्तु पूर्ण है, माने पंचमी और प्रथमा बिल्कुल व्यर्थ है, पूर्ण और पूर्ण एक है। वहां पंचमी और प्रथमा के प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं है, एकता के प्रतिपादन में तात्पर्य है। पूर्णस्य
प्रलीनस्य पूर्णम आदाय सदरूपताम आदाय सच्चिदानंद घनताम आदाय। ये नाम रूपात्मक जो पूर्ण है, इसमें जो वस्तु तत्व है उस पूर्णता को लेकर पूर्णमेवा अवशिष्यते अबाध्य रूप से, अवशिष्यते माने बाधावधि, बाधावधि के अधिष्ठान रूप से, प्रकाशक रूप से। अच्छा भाई, तो अब देखो पूर्ण, ये सनातन धर्म की ये निगूढ़ निगूढ़ अवगति है ये सनातन धर्म के पूर्ण। वो ईश्वर अधूरा है जो निराकार ही रहता है, साकार नहीं होता। वो ईश्वर अधूरा है जो साकार ही रहता है, निराकार नहीं होता। वो ईश्वर अधूरा है जो वैकुंठ में नहीं रहता, वैकुंठ में ही रहता है, धरती पर नहीं रहता। और वो ईश्वर भी अधूरा है जो धरती पर ही रहता है, वैकुंठ में नहीं होता। वो ईश्वर अधूरा है जो गोला ही गोल रहता है, शालग्राम की बटिया लंबा शिवलिंग नहीं हो पाता। जो पुण रूप ही पुरुष रूप ही रहता है, स्त्री रूप नहीं होता, वो भी अधूरा है। शक्ति भी है, शक्ति भी है, शक्तिमान भी है। तो जो हाथी की शक्ल में रहे और आदमी की शक्ल में न रहे वो भी अधूरा है, और आदमी की शक्ल में रहे हाथी की शक्ल में न रहे वो भी अधूरा है। जो आकृति के रूप में रहे और प्रकाशक सूर्य के रूप में न हो का वो भी अधूरा है। ये सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य है। सिर की पूजा नहीं होती, पांव की भी पूजा होती है, बोला। अरे वो आकृति का हम नाम खुला खुला नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल खुला खुला नंगा करके वर्णन कर सकते हैं। यदि परमेश्वर सर्वस्वरूप न हो, ये सर्व परमेश्वर ही न हो, तो आपके चित्त से राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। हमेशा के लिए राग द्वेष नहीं मिटेंगे, भेद बुद्धि बनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। सनातन धर्म जगन्नाथपुरी में झूठा खिलाता है, गाय का मूत्र पिला करके पवित्र करता है। आपके ध्यान में है, सनातन धर्म का रहस्य बड़ा निगूढ़, बड़ा निगूढ़। ये है, ये नहीं, आप करते रहो राग द्वेष। हाँ, तो लोग कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोल। इसका विपरीत कारण है, आपके हृदय का निर्माण करने के लिए, आपके हृदय को परमेश्वराकार करने के लिए आपको एक आलंबन चाहिए। आप सब पुरुषों को परमेश्वर मत समझो, पहले अपने पति को परमेश्वर समझो। ये हुआ धर्म। आप सब संतों को परमेश्वर मत समझो, पहले अपने गुरु को तो परमेश्वर समझ लो। आप सब मूर्तियों को परमेश्वर मत समझो, पहले अपने इष्टदेव को परमेश्वर समझ लो। ये सनातन धर्म तो आपके हृदय की शक्ल वो बदल देगा, रासायनिक परिणाम हो जाएगा आपके हृदय में, और फिर आप जहां देखेंगे, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, श्याम ही श्याम। परसों से गीत गोविंद सुनाने का मन है, वो हमारा काम है, प्रेम की कथा सुनाए। सायंकाल, प्रातः काल तो ये चलते ही है, सायंकाल जरा जरा प्रेम का रस लेंगे। गीत गोविंद, देरी तो बदलने लगे, बोला
श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि आप अपने चरण कमल को मेरे सिर पर रख लीजिए। देह पदपल्लव मुदारम मम शिरसि मंडनम स्मर गरल खंडनम। वो मेरे सिर का आभूषण है, वो मेरे हृदय में उठने वाली काम वासनाओं को टुकड़े टुकड़े करने वाला है। देह पद पल्लव मुदारम करी कहाँ भगवान कृष्ण, कहाँ महापुरुष, कहाँ अवतार और कहाँ ऐसे बोलते हैं। बस यदि आपको कहीं भी सनातन धर्म में असंगति मालूम पड़ती है तो आपके ज्ञान में असंगति है, आपकी बुद्धि में असंगति है, आपके अनुभव में असंगति है और सनातन धर्म में असंगति नहीं है। हम तो बहुत कट्टर हो, लकीर के फकीर जैसे होते हैं ना, ऐसे हैं वैसे हम लकीर के फकीर। हम लोग इसमें गौरव पहले समझते थे। एक किस सन की बात है, ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ था काशी में, बड़ा भारी, सारे देश के संस्कृत के प्रचंड पंडित इकट्ठे हुए थे। संवत 84-85 की बात है, बोला 50 वर्ष पहले। तो हम अपने को गौरवशाली समझते थे इस बात का कि हम अक्षर पंक्ति मात्र निष्ठ हैं, मतलब शास्त्रों के एक एक अक्षर और एक एक पंक्ति में निष्ठा रखने वाले हैं। ये उस समय की बचपन की बात है। हाँ, लेकिन उस समय हम इसमें अपने को गौरवान्वित गौरवशाली समझते थे। आप केवल उड़ा क्यों देते हैं, आप उसको समर्थन की दृष्टि से उसमें ये रहस्य क्या है, वो निवर्तक है कि नहीं। आप देखो, एक पति को परमेश्वर माना मानना अन्य पुरुष के प्रेम का निवर्तक है कि नहीं, और एक गुरु में निष्ठावान होना जने जो गुरु बनते हैं उनके झगड़ों से अलग होना है कि नहीं। एक रूप को परमेश्वर मानना अपने चित्त को चंचल की चंचलता को मिटाना है कि नहीं है। एक से ब्याह कर लेना वासना का संकोचक है कि नहीं है। सिद्धम तू निवर्धक, आप क्यों नहीं इस दृष्टि से देखो। तो देखो, जो जहां निष्ठावान है उसको अपने गुरु में, अपने इष्ट में, अपने मंत्र में, अपने संप्रदाय में पूर्ण बुद्धि करके, पूर्ण यही पूर्ण है। तो पूर्ण अहंता विमर्श, अपनी जो अहंता है उसकी पूर्णता का विमर्श कीजिए, वह पूर्ण है, यह अपूर्ण है, बनाना है, दिखाना है। अपनी अहंता की पूर्णता का अनुभव कीजिए, देखिए वासुदेव सर्वम। तुमको याद है वो एक बार हरिद्वार में कुंभ हुआ था, तो उस समय हम सन्यासी नहीं हुए थे जब पूरा, तो हर साल तो जयदयाल गोयनका का सत्संग स्वर्गाश्रम में होता था। उस साल हुआ कर्णवास में, क्योंकि वहां बड़ी भीड़ थी कुंभ की, तो सत्संग का स्थान बदल दिया गया। वहां रहते थे श्री उदय बाबा जी महाराज कर्णवास में। तो दिन भर तो सेठ जयदयाल जी के व्याख्यान व्याख्यान हुआ करते रहे। सायंकाल बाबा और जंगल में होके गंगा किनारे बालू में एकांत की तरफ चले जाते, 5-10-20-50 आदमी तो साथ हो ही जाते। तो एक दिन वहां जाके सूर्यास्त के समय गंगा तट पर बैठे हुए थे, हमको बुलाया संतनु, मेरा नाम संतनु था,
जिसमें से शांतनु बोलते थे, हम भी लिखते भी थे। तो संतनोति से संतनु बनता है, वो तो है ही है, ठीक है, वो तो महाभारत में व्याकरण और महाभागवत में सर्वत्र है। शांतम नौति से भी शांतनु बनता है, शांतम संतम सत्पुरुषम नौति प्रणमति, जो सत्पुरुषों को नमन करे उसका नाम होता है नौति, स्तौति नौति प्रणमति। तो बाबा हमको शांतनु कहकर पुकारते थे, बोले शांतनु। कहा महाराज? दोनों हाथ से बालू उठाया हो, बालू बालू नहीं बैठे थे, कोई आसन वासन की जरूरत नहीं पड़ती थी ना हम लोगों को ना उनको, दोनों हाथ से बालू उठाया। तब देख, जब तक ये ब्रह्म है ऐसा न मालूम पड़े, जब तक बालू के कण में और ब्रह्म में भेद है ऐसा मालूम पड़े, जब तक ये बालू ही ब्रह्म न मालूम पड़े, तब तक समझना ब्रह्म ज्ञान अधूरा है। ब्रह्म ज्ञान गाली देने के लिए नहीं होता है, खंडन तो अपना ही हो जाता है कि हम पूरे नहीं है, हम परिपूर्ण नहीं है। जिसको गाली देते हैं वो हम नहीं है ना, जिसको बुरा समझते हैं वो हम है नहीं ना, जिसकी निंदा करते हैं वो हम नहीं है ना, क्या पूर्णता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के बाद ये अनुभव होता है, वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते, सब परमात्मा का स्वरूप है, अब हम कासों बैर करो। जित देखा तित सांवरी सूरत, किससे बैर, किसका द्वेष, किसका खंडन, मत बादिन सौ अरज यही। हमारे बनारस में कई काष्ठ जगवा स्वामी, हाँ बड़े भारी महात्मा थे वो, तो जीभ में लकड़ी लगा ले, उन्होंने जीभ छेद के उसमें एक लकड़ी लगा ले, बोलेंगे भी नहीं। अब वो पहले ऐसा कर लिया होगा उन्होंने, तो बाद में उन्होंने हाथ से पद लिखे हैं, जीभ से नहीं बोले तो हाथ से बोले, तो एक ही बात तो एक ही हुई, बोलना तो जिह्वा भी कर्मेंद्रिय है और हाथ भी, एक पांव हिलाते थे सारा शरीर हिलाते थे। और मैंने कहा बाबा दो तोले की जीभ न हिला के हैं, पांच सिर का सिर क्यों हिलाते हो, तो हम भी मौन रहे हो, एक आध बरस तो हम भी मौन रहे हैं। क्या लिखा है उन्होंने, मत बादिन सौ अरज यही, अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो कि नहीं, जो तुम व्यापक नाहीन मानत जीव दशा कहां आई रही, तुम्हारा इष्ट देव पूर्ण है कि नहीं, तुम्हारा मंत्र पूर्ण है कि नहीं, तुम्हारा आत्मा पूर्ण है कि नहीं, पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णा पूर्णमुच्य पूर्णस्य पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य। हमारे मोकलपुर के बाबा से पूछा किसी ने, तुम कौन हो बाबा, तो बोले मैं खटमल हूं, मैं मच्छर हूं, मैं मक्खी हूं, चाहे जिस नाम में चाहे जिस रूप में मैं फुर रहा हो वो मैं ही हूं, पूर्णा पूर्ण मुदच्यते आत्मा साक्षी विभुः पूर्णः एको निश्चिदक्रियः असंगो निष्प्रिय शांतो ब्रह्मात् संसारवानिवो।
क्षेपे वा समाधौ विहरण निपुणा ब्रह्म विदेह इत्थं लोकैरसोकैरं पदमधिकं भाव्यमानो वदूतः श्री पूर्णानन्दतीर्थः पतिपति पतितान् मन्दैलिङ्गं ब्रह्मीति तत्व है ठोस, उसको बोलते हैं पूर्ण। जड़ पूर्ण होगा तो उसको सत्व कह सकते हैं, लेकिन उसकी पूर्णता किसी को मालूम पड़नी चाहिए, तो जिसको मालूम पड़ेगी उसको चेतन कहेंगे, तो दो हो जाएंगे, एक पूर्णता और एक जिसको मालूम पड़ते हो सो। तो पूर्णता यदि ज्ञेय होगी, जानी जाएगी, तो जड़ होगी, और यदि जानने वाला ही पूर्ण होगा तो पूर्णता चेतन होगी। पूर्णता चेतन तभी होगी जब अपना आत्मा ही पूर्ण होगा, और यदि इस आत्मा के सिवाय दूसरा कोई पूर्ण होगा तो एक तो वो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि एक मैं एक वो, और दूसरे जड़ होगा यदि दृश्य है तो, और यदि परोक्ष है तो कल्पित होगा। अकल्पित सत्य ही नहीं होगी। हमारे जो दृष्टि सृष्टिवादी हैं वो अज्ञात अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, अज्ञात वस्तु को ही स्वीकार नहीं करते हो।
बात कम हो गई। क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे एक बुजुर्ग हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, तो जब उन्होंने कहा सुना कि मैं ब्रह्मसूत्र पर भी लोगों के बीच में प्रवचन कर देता हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम इतने लोगों के बीच में ब्रह्मसूत्र पर प्रवचन कैसे करते हो, लोग क्या समझते हैं। फिर मैंने ये ब्रह्मसूत्र प्रवचन जो छपा है ना, ये उनको दे। तो वो दो ही तीन दिन में पूरा का पूरा पढ़ गए, एक भाग पूरा का पूरा पढ़ गए, फिर दूसरा छपा तो दूसरा दिया, तीसरा दिया। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि दर्शन शास्त्र की, वेदांत शास्त्र की बात दो चार सौ पांच सौ आदमियों के बीच में बोलना, उसमें एक तो महिमा आप लोगों की है। वो क्या है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारी बात समझ में आवे कि नहीं आवे बैठ के सुनते हैं, है ना। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। पर थोड़ी सी समझने की भी कोशिश यदि करते जाएंगे तो आपके लिए मंगल ही मंगल है। आपके जीवन में जो दुख है वो 100 में 99 दुख मन के द्वारा कल्पित है। यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस समझ से ही 99% दुख मिट जाएंगे। और 1% दुख जो है बाकी रह जाएगा, वो आत्मानुभूति से मिटेगा। जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा तब तक वो जरा सा रह जाएगा, केवल जरा सा हो लगा रह जाएगा। और तो बाकी सब आपके मन की बात है। आप अभी सुखी हो लो या अभी दुखी हो लो, अब आप परदेशी से प्रेम कर बैठेंगे तो पूरा का दुख होगा कि नहीं होगा, तो आप पहले से ही समझ लीजिए कि परदेशी के प्रेम में नहीं फंसना चाहिए। बंबई की एक स्त्री है, दो तीन बरस की बात है, 2 बरस की बात है, वो आके जोर बिजार हो गए। उधर कहीं रहती है उस नगर में, तो कृपा करो। अब मैंने पूछा तेरा दुख क्या है, सो तो बता। बोले एक पुरुष से मेरा प्रेम था, सो अब वो मुझे छोड़ रहा है, नहीं मानता है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो वो बोली कि उसका ब्याह हुआ है, उसके बच्चे हैं,
तो बोले भाई जब तुमने ब्याह वाले और बच्चे वाले से प्रेम किया तो बेचारा अपनी पत्नी को अपने बच्चों को संभालेगा कि तुम्हारे प्रेम को संभालेगा? गलती तो तुम्हारी है, उस पुरुष की कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी है। तो जब तुम ऐसी चीज से प्रेम करते हो, आग में हाथ डालोगे और कहोगे हाय हाय ये तो जलाती है, तो आग का दोष नहीं है वो। एक बात आपको और सुना जाए, आपके ध्यान में फिर से आ जाए, इसको वैष्णव शास्त्र में ब्रह्मास्त्र न्याय बोल रहे हैं। इसका नाम है ब्रह्मास्त्र न्याय। जब लंका में हनुमान जी गए और मेघनाथ से हनुमान जी की लड़ाई हुई, तो मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र था, उसने हनुमान जी पर छोड़ दिया। वैसे तो हनुमान जी को वरदान था कि उनको ब्रह्मास्त्र भी नहीं लगेगा, वेदांत ब्रह्मास्त्र है वो। ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान जी नहीं मरेंगे, ये वरदान था उनको। मेघनाथ ने प्रयोग कर दिया, कर दे चला दिया ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी ने कहा कि देखो ये ब्रह्मास्त्र है, इसकी इज्जत हम नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो अपमान होगा, बड़ों का अपमान होगा। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया और ब्रह्मास्त्र उनको लगा, बेहोश होकर गिर पड़े। इतने में सब राक्षस इकट्ठे हुए, उन्होंने मेघनाथ को सलाह दी कि देखो तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ये बानर बड़ा ताकतवर है, शक्तिशाली है, कहीं ये ब्रह्मास्त्र को हटा के और फिर उठ न जाए। तब रस्सी मनवाई उन लोगों ने गांव में से, बोले कि अब इसका हाथ पांव सब बांध दो। तो जब रस्सी से हाथ पांव हनुमान जी का बांधा गया तो ब्रह्मास्त्र ने कहा कि बाबा इनका मेरे ऊपर तो विश्वास नहीं है, इन राक्षसों का और रस्सी पर विश्वास है। जब वो ब्रह्मास्त्र तोड़ देगा तो रस्सी से कब रुकेगा? तो उसने हनुमान जी को नमस्कार किया ब्रह्मास्त्र ने और वो चला गया। तब तो हनुमान जी ने ली अंगड़ाई और अंगड़ाई लेते ही सब रस्सी टूट के गिर पड़े। तो वैष्णव शास्त्र में इसका वर्णन है कि ईश्वर की शरण में होकर, भगवान की शरण में होकर, भगवान का ज्ञान प्राप्त करके, भगवत तत्व का अनुभव प्राप्त करके, यदि आप छोटे का आश्रय ग्रहण करोगे, भूत की पूजा, प्रेत की पूजा, फिर मसान की पूजा, फिर पितर की पूजा, तो वो जो बड़ा है ना उसका आश्रय टूट जाता है। सबसे बड़ी चीज है ये ब्रह्मास्त्र। खंडन खंड खाद्य